वेलकम स्टूडेंट्स इन एमपीजी के स्टडी पॉइंट। और आज हम करंट अफेयर्स का एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसमें हम पुरस्कार पढ़ेंगे। और आपने देखा होगा, जो भी आपके पास मैगजीन होगी, उस मैगजीन में पुरस्कारों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो हमने उसको कई सीरीज़ में बांटा है, जैसे नोबल पुरस्कार का वीडियो हम बना चुके हैं। और अब जो हम कुछ 13 इम्पॉर्टेंट पुरस्कार हैं जो वो पहली नज़र में आपसे पूछ सकता है, उसको करेंगे। और उसके बाद स्पोर्ट्स के अलग पुरस्कार करेंगे, फिल्म से रिलेटेड अलग पुरस्कार करेंगे, और फिर बाकी के जितने एक्स्ट्रा हैं वो अलग से करेंगे। तो ये एक सेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस सेक्शन में रटने को बहुत सारा है। इसलिए हम वन बाय वन जो ट्रिक्स तैयार की हैं उससे आपको बार बार रिविज़न करना है, और इन ट्रिक्स को आपकी कॉपी में उतारना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी हमने पूरा मार्च 2022 तक का करंट अफेयर किया हुआ है, तो इसीलिए ये आप आपकी कॉपी तैयार रखें और नोट करते जाएं कि मैंने क्या ट्रिक्स बनाई हैं। तो ये वो आज के पुरस्कार हैं जो आपको याद करने हैं। जैसे इसमें मैंने लिखा है मूर्ति देवी, गांधी शांति पुरस्कार, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, एबल पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के का एक इंटरनेशनल पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ सम्मान। तो हम ओवरऑल ये 13 इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स को आज कवर कर रहे हैं, ताकि ये आपको पहले से ही याद रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी ट्रिक। सबसे पहले देखिए, हम शुरू करते हैं राजीव गांधी। आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो राजीव गांधी कहीं पर गए हैं, तो कहाँ गए हैं? नीचे देखो स्क्रीन में क्या लिखा है, ये गए हैं गोपाल कृष्ण के पास गए हैं। और वहाँ जाके इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है, या तो मुझे गोपाल बना दो या मुझे आज ही दीन बना दो। या तो गोपाल बना दो या आज ही दीन बना दो। तो ये आपकी पहली शॉर्टकट हो गई। राजीव गांधी गए हैं कहाँ? गोपाल कृष्ण के पास। वहाँ जाके कहा है या तो गोपाल बना दो या आज ही दीन बना दो। तो ये तीनों, ऐसा नहीं मैं सिर्फ 2021 के याद करवा रहा हूँ, इससे पहले भी जो मिले जुले हैं सब अपन एक साथ ही याद कर रहे हैं, ताकि आपको याद रहे कि ये आज इस बार नया और उससे पहले किसको मिला है। ओके, तो पहली ट्रिक हो गई। इससे हमारे राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार याद हो जाएगा। जो लेटेस्ट है वो गोपाल कृष्ण को मिला है, उससे पहले गोपाल को मिला है, और आज ही दीन को मिला है। आज ही दीन मतलब अजरुद्दीन, मोहम्मद अजरुद्दीन। गोपाल का मतलब एम गोपाल, ये है गोपाल कृष्ण। तो जो लेटेस्ट है वो गोपाल कृष्ण को, उससे पिछली बार मिला था दो लोगों को, एक एम गोपाल और एक अजरुद्दीन को। तो चलो ठीक है, पहला हो गया हमारा तैयार। दूसरा, ये है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने शांति स्थापित करने के लिए, इसका मतलब है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार हम पढ़ रहे हैं। इंदिरा गांधी ने शांति स्थापित करने के लिए सबसे पहले क्या की? पहले की प्रार्थना, और फिर उसके बाद एक एटम बम डाल दिया। किस पे? इस संस्था पे डाल दिया, CSE पर। तो दूसरी टेक्निक भी हमारी तैयार है। गांधी जी ने शांति स्थापित करने के लिए पहले प्रार्थना की और फिर एटम बम डाला। किस पे? CSE, सेंटर फॉर स्टेट एंड एनवायरमेंट, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। तो ये है हमारी इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। तीन को हमने पढ़ लिया। सबसे पहले लेटेस्ट प्रथम इंस्टीट्यूट को मिला है, उससे पहले एटनबरो को मिला था, और उससे पहले CSE संस्था को मिला था। तो ये प्रथम संस्था आपको याद रखना है, ना कि प्रार्थना। हमारी है प्रथम, ये हमारा आंसर है। तो हमने दो पढ़ लिए हैं। तीसरा, ये गांधी जी हैं। गांधी जी ने शांति स्थापित करने के लिए क्या किया? इन्होंने बंधुओं पर रहम खाया और सदा के लिए उन पर काबू पा लिया। बंधुओं पर रहम खाया और सदा के लिए काबू पा लिया। तो ये है हमारी गांधी शांति पुरस्कार की टेक्निक। तो चलिए एक बार हम अब किसको मिला है वो नाम देखने से पहले तीनों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले बताइए, राजीव गांधी पुरस्कार किसको मिला? तो हमने पढ़ा था, ये गए थे गोपाल कृष्ण के पास और कहा था या तो गोपाल बना दो या आज ही दीन। इसके बाद इंदिरा गांधी ने प्रार्थना की और एटम बम दाग दिया CSE पर। गांधी जी ने शांति स्थापित करने के लिए बंधुओं पर खाया रहम और सदा के लिए उन पर काबू पा लिया।
तो चलिए देखते हैं। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2018 का मिला है, 2021 में ये मिला है गोपाल कृष्ण को। वहाँ जाके क्या कहा इन्होंने, कहा या तो मुझे गोपाल बना दो या आज ही दीन, तो अजरुद्दीन। ये हो गया हमारा राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार। इंदिरा गांधी ने देखो सबसे पहले क्या की, प्रार्थना की तो प्रथम संस्था को, और फिर एटम बम दाग दिया तो डेविड एटनबरो को, किस पे, CSE सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। तो ये हमारी ये हो गई इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2020-19-18। तीसरा है गांधी शांति पुरस्कार ने क्या किया, बंधुओं पर रहम काया और सदा के लिए काबू पा लिया। तो ये देखिए बंधु और रहम से ये रहमान, तो बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान ये बांग्लादेश के हैं और ये वहाँ के राष्ट्रपिता हैं, फादर ऑफ नेशन। और बंग बंधुओं पर रहम खाया और सदा के लिए, देखो सदा के लिए काबू, तो सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद, तो ऐसा शब्द आएगा आपको, तो इससे आप पकड़ लेना सदा के लिए काबू से मतलब है सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद। ये हो गए हमारे तीन पुरस्कार, मैंने आपको याद करा दिए। चौथा देखिए, ये खतरनाक सा क्या दिख रहा है, इसके हाथ में क्या है, बुक है, और ये कौन है, ये डेमन है। तो हमें क्या करना है, ये बुकर पुरस्कार की बात हो रही है, तो बुकर पुरस्कार के लिए इस डेमन को इस पानी में गला देना है, तो स्टुअर्ट अपने आप गल जाएगा। ये चूहा जो है इसका नाम है स्टुअर्ट, ये कार्टून में आता है। तो आपको क्या करना है, इस बुकर पुरस्कार के लिए डेमन को गला दो पानी में, स्टुअर्ट अपने आप गल जाएगा। ये अपनी टेक्निक है बुकर पुरस्कार की। इसका मतलब क्या है, जो लेटेस्ट मिला है वो मिला है डेमन, और उसमें गल वर्ड जरूर आएगा। देखो दोनों में ही गल वर्ड आएगा, तो जैसे ही ऑप्शन आए तो जहाँ पे ये गल गल डगलस डगलस ऐसा कुछ आए तो समझ जाना कि आपको ये मिला है बुकर पुरस्कार है, और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अलग से किया हुआ है। तो बुकर पुरस्कार के लिए डेमन को गला तो स्टुअर्ट अपने आप गल जाएगा। तो देखो बुकर पुरस्कार 2021 का मिला है डेमन गलगुट, ये देखो गला वर्ड गला दिया। तो 20 का मिला है ये देखो स्टुअर्ट को, तो स्टुअर्ट अपने आप गल जाएगा। तो 2021 का डेमन गलगट और 2020 का डगलस स्टुअर्ट को मिला है। तो हमारा एक और हो गया बुकर पुरस्कार। फिफ्थ पुरस्कार देखिए, ये जो मूर्ति है ये किसकी है, ये मूर्ति विश्व के स्वामी की है भैया, ये मूर्ति विश्व के स्वामी की है, तो ये है मूर्ति पुरस्कार। तो देखिए मूर्ति देवी पुरस्कार किसको मिला है, तो 2019 का मिला है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, तो ये हो गया विश्व से विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, और इससे पहले स्वामी जॉय स्वामी गोस्वामी, दो लोगों को मिला है। तो मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 का विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, तो विश्व को स्वामी, स्वामी से गोस्वामी। तो ये हमने कर लिया मूर्ति देवी पुरस्कार, ठीक है। तो ये हमारे इतने हो गए, तो एक बार हम रिवीजन करते हैं। राजीव गांधी ने बताइए क्या किया, राजीव गांधी गए गोपाल कृष्ण के पास, वहाँ कहा या तो गोपाल बना दो या आज ही दीन, मतलब मोहम्मद अजरुद्दीन। दूसरा पुरस्कार हमने देखा कि इंदिरा गांधी ने प्रार्थना की और एटम बम दाग दिया CSE पर, तो तीन हो गए यार। गांधी जी ने शांति स्थापित करने के लिए बंग बंधुओं को क्या किया, रहम खाया और सदा के लिए काबू पा लिया। बुकर पुरस्कार में एक डेमन बना था उसको पानी में गला देना है, तो दोनों में गला गला वर्ड आएगा, गल गल गला देना है, स्टुअर्ट अपने आप गल जाएगा। पांचवा है ये मूर्ति विश्व के स्वामी की है, तो एक जो है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी और एक है जॉय गोस्वामी। अब अगला देखो खतरनाक सा कौन सा है, ये एक बैल है, तो ये बैल जो है ये हिल रहा है, और कहाँ हिल रहा है, तो यहाँ पे अपन फॉरेस्ट बना दें, ये बैल फॉरेस्ट में हिला और देखो ये इसने इसको मार दिया, और ये बैल मार के क्या हो गया, गुल हो गया। तो क्या मतलब कहना चाह रहा हूँ, ये बैल है ये हिला है कहाँ, फॉरेस्ट में, और मार के देखो क्या हो गया, गुल हो गया, कहाँ, कार में। तो बैल हिला फॉरेस्ट में और मार के गुल हो गया कार में, तो ये है बैल से कौन सा पुरस्कार है, एबल पुरस्कार। तो ये देखिए किसको मिला है लेटेस्ट देखते हैं अपन, एबल पुरस्कार। तो एबल पुरस्कार की बात करें तो 2020 का देखो हिला है कहाँ, फॉरेस्ट में, तो देखो फुरस्टेनबर्ग, तो हिलेल फुरस्टेनबर्ग, और मार के गुल हुआ है, देखो मारगुलस, मार के गुल हुआ है। तो 2020 का दो लोगों को मिला है, हिलेल फुरस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मारगुलस, और इससे पहले वाले को ये गुल कहाँ हुआ था, कार में, तो आंसर है कारेन केस्कुला उल्हेनबर्ग। तो कारेन वर्ड जहाँ आ जाए उसी से ऑप्शन को पकड़ लेना है। ये हो गया हमारा एबल पुरस्कार।
एक बार फिर से देखिए, ये हिला फॉरेस्ट में और मार के गुल हो गया कार में, तो फॉरेस्ट वाला और गुल वाला हो गए 2020 और उससे पिछले वाला था कार वाला कारण। नेक्स्ट है ज्ञान, याद रखना ज्ञान मिला है किसको, दामाद को, वो भी कैसा, नीला। तो दामाद का ज्ञान कैसा है, नीला है, ये याद रखना है आपको। ये ज्ञान से मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार ही सबसे ज़्यादा लिटरेचर में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है हमारे पास, इसके बाद ही सरस्वती सम्मान आता है 15 लाख वाला। तो चलो यहाँ से देखें हम, ज्ञान ज्ञानपीठ पुरस्कार दामाद का ज्ञान नीला है, तो लेटेस्ट मिला है दामाद से दामोदर को और उससे पहले मिला था नीला से नीलमणि को, तो ये है आंसर। 2021 में 57th मिला है कोंकण का एक उपन्यासकार है दामोदर मौजी को, तो दामोदर का ज्ञान कैसा है, नीला। तो ये देखिए अगला, 2020 का किसे मिला था, असम का कवि है नीलमणि फुकन, नीलमणि फुकन। तो ज्ञान दामाद का नीला है, इससे आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी का और पिछला वाला याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखो व्यास, व्यास एक अजगर है जो पग पग पर जा रहा है, तो ये उसका पग पग और यहाँ से ये अजगर को मूव करा देना है, ये अजगर मूव कर रहा है पग पग। तो व्यास जो है अजगर है जो पग पग मूव कर रहा है, मतलब लेटेस्ट वाला अजगर से एक शब्द आएगा असगर, उसे मिला है पग पग से, दूसरा इससे पहले मिला था पगारे को, तो दोनों याद हो जाएंगे। आंसर देखिए, व्यास सम्मान 2021 का मिला है 21 का असगर वजाहत को, असगर वजाहत को, और 20 का मिला है शरद पगारे, देखो पग पग, तो अजगर पग पग जाए तो ये है व्यास सम्मान। तो दोनों मैंने आपको याद करा दिए, ये और इससे पहले किसको मिला था व्यास सम्मान, सरस्वती। सरस्वती को राम ने शरण दी किसके कहने पे, वासुदेव के कहने पे। सरस्वती मैया को राम ने शरण दी किसके कहने पे, वासुदेव के कहने पे। तो ये सरस्वती सम्मान पिछले जो भी मिले हैं 2 से 3 वो सब जो है आपको याद हो जाएंगे। तो सरस्वती को राम ने शरण दी है वासुदेव के कहने पे। तो देखिए सरस्वती सम्मान 2021 का रामदर्श मिश्रा को मिला है, 2021 का रामदर्श मिश्रा को मिला है। तो राम सरस्वती को राम ने क्या दी, शरण दी, उससे पहले वाला शरण को मिला था शरण कुमार लिम्बाले को, किसके कहने पे, वासुदेव के कहने पे, उससे पहले मिला था वासुदेव को। तो ये हमारे हो गए 21, 20, 19। तो हमने अभी तक कर ली हैं कितने, 9 याद कर ली हैं। तो व्यास का क्या है, सरस्वती का क्या है, दामाद का जो ज्ञान है ज्ञानपीठ पुरस्कार दामाद का ज्ञान नीला है, और सरस्वती को राम ने शरण दी है वो भी किसके कहने पे, वासुदेव के कहने पे, ये हो गया सरस्वती सम्मान। अब दादा साहब फाल्के के 2 पुरस्कार याद करना है, एक दादा साहब फाल्के पुरस्कार लिखा हुआ आएगा और एक आएगा इंटरनेशनल, यानी बड़ा वाला इंटरनेशनल पुरस्कार, ये फिल्म से संबंधित रहेगा। तो चलिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो याद रखना है दादा साहब फाल्के रजनी पे क्या फेंक रहे हैं, आम फेंक रहे हैं। दादा साहब फाल्के रजनी पर आम फेंक रहे हैं, मतलब लेटेस्ट मिला है रजनीकांत को, उससे पहले आम से अमिताभ बच्चन। तो दादा साहब पुरस्कार रजनीकांत और उससे पहले अमिताभ बच्चन को मिला है, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो फिल्म वाला है अंतर्राष्ट्रीय वो किसको मिला है। तो यहाँ दादा साहब क्या कर रहे हैं, तानाजी और अक्षय के साथ दीपक जला रहे हैं। तानाजी जो अपने अजय देवगन की पिक्चर आई थी, तानाजी और अक्षय के साथ दीपक जला रहे हैं। इसमें 3 क्वेश्चन हैं, दादा साहब फाल्के किस फिल्म को मिला है अंतर्राष्ट्रीय, तो तानाजी द अनसंग वॉरियर। किस एक्टर को, तो लक्ष्मी में जो एक्टर है अक्षय कुमार। और किस हीरोइन को मिला है, तो दीपिका पादुकोण, 56 वाली दीपिका पादुकोण, इनको मिला है। ये हमारे हो गए दादा साहब फाल्के पुरस्कार के 2 पुरस्कार। तो देखते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनी पर क्या फेंक रहे हैं, आम फेंक रहे हैं। तो रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, 2019-2018। दादा साहब फाल्के पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है, फिल्म कौन सी है, तानाजी। एक्टर कौन है, अक्षय कुमार। और एक्ट्रेस कौन है, दीपिका पादुकोण। उम्मीद है आपको ये याद हो जाएंगे दोनों के दोनों। नेक्स्ट है बिहारी पुरस्कार। तो बिहारी के कान में कृष्ण मोहन ने कहा, क्या कहा, दान कर। तो ये अगर बिहारी हैं और ये उनका कान है, तो यहाँ पे कृष्ण भगवान आके कहेंगे कि तू क्या कर, दान कर। तो बिहारी के कान में कृष्ण ने कहा, कृष्ण मोहन ने, कि तू दान कर। तो इससे बिहारी पुरस्कार याद हो गया। तो बिहारी पुरस्कार 2021 का मिला है मधु कनकरिया। तो ये कान में, कान से कनकरिया, मधु कनकरिया। तो बिहारी के कान में यानी मधु कनकरिया किसने कहा, मोहन कृष्ण ने कहा, और उससे पहले कि तू क्या कर, दान कर। तो आंसर देखिए ऐदान। तो 2019 का ऐदान है।
और 2020 का मोहन कृष्ण है और ये है कन कहरिया। तो कान में कहा है तो कन कहरिया याद रखना, मधुकन कहरिया, क्योंकि सरनेम कॉमन नहीं होता तो इसीलिए आपको ऑप्शन पकड़ में आ जाएगा। और इनकी मधुकन कहरिया की जो बुक है वो कौन सी है, हम यहाँ हैं, उसके लिए इनको बिहारी पुरस्कार मिला है। बिहारी पुरस्कार हिंदी और राजस्थानी लिटरेचर के लिए दिया जाता है। तो ये के बिरला फाउंडेशन के हैं 5-6 पुरस्कार, लेकिन मैं आपको पुरस्कार के यदि आप डिमांड करेंगे तो मैं पूरे पुरस्कार कब एस्टेब्लिश हुआ और जो उनका बेसिक्स है वो मैं आपको बना के दे दूंगा। तो अभी सिर्फ करंट अफेयर्स में, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, तो बिहारी पुरस्कार भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर। तो एक बुकर तो पढ़ा था मैंने, एक डेमन बनाया था और उसके पास में बुक थी और डेमन को गलाना थी एक पानी में और स्टुअर्ट अपने आप गलता, वो था सामान्य बुकर पुरस्कार। अब ये है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर में बुक को डैडी ने मार के कहा लुक, ये कहा बुक को डैडी ने मार के कहा लुक, ये है उसकी शॉर्टकट अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो यहाँ डैडी वर्ड आएगा, डे से फर्स्ट नेम शुरू होगा और डी से डियोप है ये, और डे से डेविड है, तो डेविड डियोप, ये है लेटेस्ट वाला और उससे पहले मार के लुक इस नाम से है। देखिए शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 का मिला, ये देखो डैडी, ये वाला डे और डी, तो डैडी, तो डेविड डियो और मार्के लुकास रिजनेवल्ड, ये है 2020 का। तो दोस्तों हमने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी कर लिया है कंप्लीट, और इस तरह से हमने पूरे 13 पुरस्कार याद कर लिए हैं। तो अगर आपको शॉर्टकट याद हैं, एक एक बार बस अपनी जहां भी आपकी टेक्स्ट बुक है, लिखे भी नहीं बस वहीं पे ये शॉर्टकट लिख लें, ये सारे पुरस्कार याद हो जाएंगे आपको। तो एक बार हम रिवीजन करते हैं और शॉर्टकट्स को देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, ताकि आपको फटाफट पूरे याद हो जाएं। तो शुरुआत की थी हमने राजीव गांधी से, तो देखिए यहीं से स्टार्ट करेंगे। राजीव गांधी गए हैं कहाँ, गोपाल कृष्ण के पास, और बताइए क्या कहा है, या तो क्या बना दो, गोपाल बना दो, या आज ही दिन। इंदिरा गांधी ने पहले प्रार्थना की, तो प्रथम समाज और एटम बम दाग दिया किस पे, CSE पर, तो पिछले 3 वर्ष के हो गए यार। गांधी जी ने बंगबंधुओं को पे रहम खाया और सदा के लिए काबू पा लिया, तो ये 3 पुरस्कार हो गए। नेक्स्ट है हमारा बुक, तो ये बुकर पुरस्कार है, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बता दो आप, तो ये तो याद रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय डैडी ने बुक को मार के कहा लुक, तो मार के लुकस, ये पिछला वाला, और अभी वाला डेविड डियोस, ओके। तो ये वाला डेमन गलियास और स्टुअर्ट डगलस, ये इसका आंसर है बुकर पुरस्कार। ये मूर्ति विश्व के स्वामी की है, तो मूर्ति देवी पुरस्कार विश्वनाथ प्रसाद तिवारी और गोस्वामी को मिला है इससे पहले वाला, दैट्स ऑल। एबल पुरस्कार, ये जो बैल है ये हिला फॉरेस्ट में और इसने मार के गुल हो गया कहाँ, कार में, तो ये वाला जो नाम है ये पूरा लेटेस्ट है 2 लोगों को, और ये है उससे पिछली बार कार वाला, ये है उसका आंसर। हिलेल फॉरेस्टवर्ग और ग्रेगरी मार्गुलस, ये मिला है 2020 में, और 19 में मिला था केसकुल गुहलेनवर्ग को, तो ये कार वर्ड से कारण। ज्ञान दामाद का नीला है, मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर को मिला है, उससे पहले नीलमणि को मिला था। व्यास अजगर है जो पग पग चल रहा है, ये आपको अपने आप याद आएंगे जब आपको, जैसे ही 4 ऑप्शन आएंगे तो तुरंत आपको, क्योंकि चारों ऑप्शन आपको इस तरह से बनाएगा कि आप तुरंत पकड़ ही लोगे कि ये जो है किस तरह से सर ने बताया है। व्यास सम्मान अजगर वजाहत शरद पगारे। सरस्वती को क्या की, राम ने शरण दी किसके कहने पे, वासुदेव के कहने पे, तो रामदर्श मिश्रा, शरण कुमार, वासुदेव मोही। दादा साहब फाल्के रजनी पर आम फेंक रहे हैं और इधर तानाजी और अक्षय के साथ दीपक जला रहे हैं, दोनों पुरस्कार याद हो गए। रजनीकांत अमिताभ बच्चन, तानाजी, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण। बिहारी के कान में, यानी मधु काने कर ऐसा कुछ नाम है उसका, कन कह दिया। बिहारी के कान में कृष्ण मोहन ने कहा दान कर, तो 3 पुरस्कार याद हुए, मधुकन कहरिया, मोहन कृष्ण, बोहरा और ऐदान। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, बुक को डैडी ने मार के कहा लुक। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, फिर से आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो, और नहीं तो आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और हम भी बाकी चैनल्स की तरह ग्रो करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि शिक्षा हो निःशुल्क, वो भी उत्तम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।